आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं या हम जिस चीज़ के बारे में आज बात करने वाले हैं वो ऐसी कमाल की चीज़ है जो आपने देखी ज़रूर होगी, जो आप हमेशा अपने साथ लगे घूमते थे पर कभी आप इस पे गौर नहीं किया या कभी आपने बारीकी से इस चीज़ पे देखा नहीं। और ये चीज़ उन दोस्तों के ज़रूर काम आएगी जो लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं या जो स्टार्टल फोटोग्राफी करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सर्वेश दुबले आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस पेज में जिसका नाम है द फोटो बग। चलो तो देखते हैं ये कौन सी चीज़ है और इतने साल ये कहाँ छुपी हुई थी। ये जो चीज़ है आपके कैमरा बेल्ट में छुपी हुई है। अगर आपने अपने बेल्ट पे कभी गौर किया होगा तो वहाँ पे इस कोने में आपको ये थोड़ा सा रबर जैसा चीज़ दिखाई देगी जो अपना मैजिक दिखाती है। जी हाँ दोस्तों, ये वो चीज़ है जो आपके कैमरे के आईपीस पे या व्यू फाइंडर पे लगती है और लाइट को अंदर घुसने से ब्लॉक करती है। तो चलिए इसका टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि सच्ची में ये चीज़ काम करती है या इसे कैसे यूज़ करना है। तो आप जैसे देख सकते हो आज के हमारे टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे मेरा कैनन का 70D यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लेंस लगाई नहीं है तो हम टेस्ट कर सकते हैं कि सच में हमारे व्यू फाइंडर से लाइट अंदर जा रही है कि नहीं, हमारे फ़ोटोज़ पे कोई असर पड़ रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैंने मेरा एक्सपोजर 10 सेकंड्स पे रखा हुआ है और ISO 1000 पे। अभी एक टेस्ट शॉट लेके देखेंगे कि ये फ़ोटो कैसा आ रहा है। तो जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो एक पीच ब्लैक फ़ोटो आया है। एक्सपेरिमेंट के लिए हम अभी देखेंगे कि अगर हम हमारे व्यू फाइंडर से अगर लाइट पास करें तो हमारे फ़ोटोज़ पर कुछ असर पड़ता है कि नहीं। और हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए हम हमारा मोबाइल की टॉर्च लाइट यूज़ करेंगे और हमारी व्यू फाइंडर से वो टॉर्च लाइट मार के 10 सेकंड का एक फ़ोटो लेके देखेंगे। जैसे आप देख सकते हो हमारा 10 सेकंड्स का ये फ़ोटो आ चुका है। तो इस फोटो पे हम पीसी पे ओपन करके देखते हैं कि इस पर क्या इफेक्ट आया है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पीच ब्लैक की जगह पे ये फ़ोटो में काफ़ी कलर बैंडिंग दिखाई दे रही है। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि एक्सटर्नल लाइट कहीं ना कहीं हमारे फ़ोटोज़ को इफेक्ट कर रही है। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे बेल्ट पे लगा हुआ जो यहाँ पे आईपीस का कवर है उसे लगाना कैसे है और उसे फिट कैसे करना है। सबसे पहले अपने कैमरे में लगाए हुए आईपीस कवर को साइड से प्रेस कीजिए और उसे हल्के से ऊपर खींच लीजिए तो उसे वो आसानी से निकल जाएगा। अभी हमारे बेल्ट के ऊपर ये आईपीस का जो कवर है उसे धीरे से उस पर स्लाइड कर दीजिएगा और वो अपनी जगह पे फिट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा अभी ये आईपीस कवर लग चुका है। अभी एक टेस्ट शॉट लेके देखेंगे। सेम सेटिंग्स हैं हमारी, 10 सेकंड्स का शटर स्पीड और 1000 ISO रखा हुआ है और इस पे हम पहले की जैसे ही हमारे सेलफोन का टॉर्च मार के देखेंगे कि इसका क्या इफेक्ट आ रहा है। ये आईपीस का कवर ज़रूर अपना काम करेगा और हमारे जो टॉर्च है उसकी लाइट को अंदर पास करने नहीं देगा। और जैसे अभी आप देख सकते हो हमारा फ़ोटो फिर से पीच ब्लैक आया हुआ है और ये प्रूव हो चुका है कि ये कवर लगाने से हमारा किसी भी एक्सटर्नल लाइट का हमारे फ़ोटोज़ पे कोई भी असर नहीं हो रहा है। इसे निकालना भी इतना ही इजी है। इसे आप हल्के से ऊपर पुश कर लीजिएगा, ये आराम से निकल जाएगा और अपना कैमरे का व्यू फाइंडर कवर है वो इस पर फिर से लगा दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और ये छोटी सी चीज़ आपने अभी यूज़ करना शुरू कर दी होगी। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन एंजॉय क्लिकिंग।